जी आज मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ जो कि वन लाइनर, मतलब कंप्यूटर वन लाइनर, एक लाइन में ये मैं फर्स्ट पार्ट बताऊंगा एंड सेकंड पार्ट में आपके दो पार्ट में कंप्लीट आपका कंप्यूटर हो जाएगा। और ये कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि अब मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पज़ मशीन कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ डिजिटल सर्किटेड दैट एक्सेप्ट इनपुट, स्टोर, मैनिपुलेट एंड जनरेट्स डाटा एज नंबर, टेक्स्ट, ग्राफिक, वॉइस, वीडियो फाइल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन कॉल अ प्रोग्राम। ठीक है, देखो अब ये अच्छे पॉइंट है, ऐसे कि आप देखिए इधर, फादर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन 1947 टू 1949, फर्स्ट प्रोग्राम लेडी अडा लॉबली 1880 में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक 1946 में। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, एनिक 1946 में, किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, जे पी एकर्ड, ठीक है, एंड जे डब्ल्यू मॉशली, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस्ड IBM इन 1981। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, देखो हार्डवेयर होता है मेन पार्ट कंप्यूटर बताते हैं कितने काफ़ी होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर मैं अभी फास्ट पढ़ाऊंगा तो आप जल्दी से कैप्चर करना क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम ना खींचे, सो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच इंक्लूड द कंप्यूटर, यस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, इट इज़ आल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट इन साइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मनी एंड मैनी अदर्स, मीन्स जो टच कर सके अपन हार्ड, उसको हार्डवेयर कहते हैं, सही, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड्स हुए, माउस हुए, सीपीयू, इन सबको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटिंग द एन इनपुट डिवाइस इज अ पेरीफेरल पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा कंट्रोल एंड सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन एप्लियंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कीबोर्ड, माइक, ठीक है, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, ठीक है, कीबोर्ड आप जानते हैं, कीबोर्ड को की करना, ठीक है, कीबोर्ड्स में कीज होती हैं जो इनपुट काम करता है, ठीक है, और कीबोर्ड बताया था, देखो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट फंडामेंटल इनपुट डिवाइस फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम, इट हेल्प द इंटर द डाटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी इंटर डाटा करते हैं उससे हेल्प करता है कीबोर्ड एंड माउस, माउस को आप जानते हैं, माउस इज द यूज टू इनपुट डाटा बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द कंप्यूटर बेस्ड ऑन हॉवरिंग द सर्सर्स एंड सेलेक्टिंग विद द लेफ्ट माउस, ठीक है, बटन, द लेफ्ट माउस एक्ट एंड इंटर बटन, द राइट माउस बटन कैन बी सिलेक्टेड एंड विल ऑफन पॉप अप विंडो चॉइसेस, ठीक है, द स्क्रॉलिंग व्हील इज यूज टू मूव द व्यू ऑफ द स्क्रीन अप डाउन, स्क्रॉलिंग आप जानते हैं, स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर नीचे करना है, जो कि इसमें स्क्रीन अप एंड डाउन करता है, बाय द मूविंग अवर माउस टू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स इज द लेफ्ट माउस ऑफ द बटन टू द प्लेस सर्सेस, ठीक है, ट्रैक बॉल बताया था आपको, ट्रैक बॉल एक माउस के टाइप में होता है सिम, लेकिन इसमें अपर अब ऊपर रहता है इसका, ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन, ठीक है, डाटा इनटू द कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट सर्वर द सेम पर्पज एज द माउस, देखो माउस का सेम काम करता है माउस का, बट इज डिजाइन बाय द मूवेबल बॉल ऑन द टॉप पे इसका रहता है, ये मूव करते हैं उसका टॉप पे रहता है, विच कैन रोल्ड इन एनी डायरेक्शन इंस्टीड ऑफ द मूविंग द वोल डिवाइस, ठीक है, यू सिंपली रोल द मूवेबल, ठीक है, आप इसको ठीक है पढ़ सकते हैं, ट्रैक बॉल। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रीड एन आउटपुट प्रिंटर, ठीक है, बारकोड टू अ कंप्यूटर, लिंक्ड ए फ्लैट बेड स्कैनर, इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, ए लेंस एंड अ लाइट सेंसर, ट्रांसलेटिंग ऑप्टिकल इम्पल्सिस इन टू इलेक्ट्रिकल वंस, ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें है डिजिटल कैमरा क्या होता है, एक कैमरा विच प्रोड्यूस, इस आपको नाम से पता चला डिजिटल कैमरा कैमरा होता है, बट डिजिटल होता है, मीन्स ए कैमरा विच प्रोड्यूस्ड डिजिटल इमेजेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। गेमपैड क्या होता है, गेमपैड ए हैंड हेल्ड कंट्रोल फॉर वीडियो गेम है, ठीक है, वीडियो जो गेमपैड होता है जो ये कंट्रोल करता है, वीडियो गेम खेलती है वो उसमें कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, वो उसको बोलते हैं गेमपैड। एंड जॉयस्टिक, आप जॉयस्टिक भी यूज़ होता है कंप्यूटर में, ठीक है, उसमें जॉयस्टिक
गेम के लिए यूज़ होता है यार, ना जॉयस्टिक यार, ए लीवर आपको पढ़ सकते हैं, ए लीवर दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर और सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन, इट मेनली यूज इन प्लेइंग गेम, ठीक है। एंड माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपको पता ही है माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना, ये साइंस में भी आता है, अभी मैं कंप्यूटर पढ़ा बट साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन देखो, साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल वेव, साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल वेव एनर्जी वेरिएशन विच मे देन बी एम्पलीफायर कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं और रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर आप जानते हैं स्कैनर क्या होता है, एक डिवाइस दैट कैन स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट दैम इन टू डिजिटल डाटा, ठीक है। एंड वेबकैम, वेबकैम अपना कह सकते हैं जो वीडियो, जो कंप्यूटर में जो फ्रंट कैमरा होता है ना, वीडियो के लिए थ्रू द अपन वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो इट्स वेबकैम मीन्स ए वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ठीक है, अलाउिंग इट्स इमेज टू बी सीन बाई इंटरनेट यूजर, ठीक है। ओ सी आर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेना, ओ सी आर आ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन यानी कि इट्स द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ टाइप हैंड रिटन टू प्रिंटर टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर इट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वाले एनालॉग इन्फॉर्मेशन से डिजिटल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई। और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ए ओ एम आर, ओ एम आर तो आप जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, इसका फुल फॉर्म आप अच्छी तरह याद रखना, ओ एम आर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर्स रीड्स पेंसिल और पेन मार्क मेड इन प्री डिफाइंड पोजिशन ऑन पेपर फॉर्म आर रेस्पॉन्सिस टू क्वेश्चन और टिक रिस्ट प्रोमोट्स, ठीक है, ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अपना सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिक कंस्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, सीपीयू बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, देखो वैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, सीपीयू में थ्री पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में आपको फिर पूरा पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन रीड कर सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय परफॉर्मिंग द बेसिक अर्थमैजिक लॉजिकल मिस लॉजिक, देखो अर्थमैजिक, अर्थमैटिक लॉजिकल ये कॉमा लगा दिया, बट एक अर्थमैजिक लॉजिक यूनिट, ये एक है, और कंट्रोल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है। ऑपरेटिंग स्पेसिफाइड बाय द सीपीयू, देखो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सीपीयू ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना, हार्ट यानी कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर पूछ सकते हैं, क्या है, कौन सा है, सीपीयू कह सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू, सीपीयू प्रोसेस है, देखो फैच द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, फैच द डाटा, प्रोसेस ऑफ डाटा एंड राइट द डाटा। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में आपको पता है ये आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मैंने आपको इनपुट अभी बताया था, इनपुट डिवाइस जो कि माउस है, ठीक है, कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। एंड माउस ट्रैक बॉल भी पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था ट्रैक बॉल माउस की तरह होती है, जॉयस्टिक भी पढ़ाया था, स्कैनर भी अपना इनपुट है, वेबकैम भी इनपुट है, माइक्रोफोन जो सारे ऊपर पढ़ा दिए सारे ये अपना वो है क्या इनपुट, एंड बार कोड रीडर भी इनपुट है, लाइट पेन भी, टच स्क्रीन, तो सारे अपना इनपुट है। बट आउटपुट में बताता हूँ, आउटपुट आप पढ़ सकते हैं पहले। एंड आउटपुट डिवाइस इन एनी डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम एन कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस, ठीक है। मोस्ट मोस्ट कंप्यूटर, आपको रुको रुको एक मिनट, वन सेकेंड थोड़ा, ठीक है, हाँ कंटिन्यू, दैट इज यहाँ से, कहाँ से रीड कर रहे थे, डाटा इनपुट दैट इज मीन फॉर ह्यूमंस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रिंटर, ठीक है, यही होते हैं, पांच होते हैं, फाइव। और याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा था कि इनपुट, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, एंड आउटपुट डिवाइस कौन से आउटपुट नहीं है, तो इन क्वेश्चन काफ़ी बेसिकली पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है, दे आर द टू काइंड ऑफ मॉनिटर, आप मॉनिटर आप जान सकते हैं, मॉनिटर दो टाइप के होते हैं, देखो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर इज अ टीवी लाइक डिस्प्ले अटैच्ड टू द कंप्यूटर, ठीक है, ऑन विच ऑफ द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड एंड अ व्यू, इट कैन आइदर बी मोनोक्रोम डिस्प्ले और द कलर। अब दे आर द टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के दो काइंड्स होते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है ये और ये, ठीक है। सी आर डी मीन्स कैथोड रे ट्यूब, क्या होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब पता है आपको, वैक्यूम ट्यूब होता है जो फर्स्ट जनरेशन में अप्लाइड किया था यार ना, फर्स्ट जनरेशन में 1946 टू 1956, आई थिंक 1942 टू 1952 भी कह सकते हैं,
तो फर्स्ट ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, द कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स एंड फॉस्फोरस स्किन स्क्रीन यूज्ड एज व्यू इमेज, ठीक है, एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप यार ना इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एल टी एफ टी एल सी डी, वैसे नॉर्मली एल सी डी ओनली पूछते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बट टी एफ एल आप ये देख लेना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, देखो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज अ वेरियंट ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, दैट यूजेज, ये काम करता है कहाँ, देखो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द इमेज, इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सच अ एड्रेसेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर आप लोग सभी जानते हैं प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस रहती है, मैंने आपको बताया था प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर प्लॉटर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, और एंड क्या पढ़ रहा था, प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटर टेक्स्ट और पिक्चर, ठीक है, टेक्स्ट और पिक्चर को ये कॉपी करता है एंड आउटपुट निकालता है, ठीक है। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, टू टाइप के होते हैं, याद रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट स्ट्राइक अ प्रिंट हेड अगेंस्ट इन लिंक रिबन टू मार्क द पेपर, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूडेड डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, एंड नॉन इम्पैक्ट में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, ठीक है। टू कॉमन टाइप ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूडिंग इंक जेट प्रिंटर विच स्प्रे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू ईच पेज, ठीक है, एंड लेजर प्रिंटर, इसमें देखो लेज़र प्रिंटर आपको अच्छा क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा सबसे तेजली अपना वो होता है क्या, इसमें पेज कॉपी होता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है, कम समय में ज़्यादा करते हैं। एंड मैं आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर में वन सेकेंड में 200 to 450 तक पेज ये छापता है, ठीक है। एंड एक और बता देता हूँ मैं आपको, लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर में 200 to 2000 तक ये, मतलब वन मिनट में 200 to 2000 तक चिन्ह छापता है, ठीक है, चित्र बोलते हैं, चित्र कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रॉपर आप ठीक है रीड कर लिया। एंड मेमोरी इम्पोर्टेंट है, मेमोरी किस में आता है, मेमोरी सीपीयू में आता है, याद रखना, मेमोरी सीपीयू में आता है, एंड सीपीयू में 3 आते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और सारे पढ़ लिए अपन, आउटपुट यूनिट सभी मेमोरी में आते हैं, और सॉरी इसमें सीपीयू में आते हैं, बट आप मेमोरी में भी आप देखो मेन मेमोरी होता है, ठीक है, मेन मेमोरी देखो प्रिंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड केक, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी रैम और रोम होता है, याद रखना, प्राइमरी रैम और रोम होता है, ठीक है। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, अच्छे क्वेश्चन, सेकेंडरी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीसी, डीवीडी, जिप डिस्क, ईटीसी। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी बात एक ही है, अभी पूछ लिया कि मेन मेमोरी के पार्ट क्या हैं, तो आप कह सकते हैं रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम, ठीक है, और प्राइमरी प्राइमरी पूछ सकते हैं तो भी रैम रोम कह सकते हैं। देन रजिस्टर आपको रीड कर लेना, रजिस्टर इतना वो नहीं है, बट आपको मैं बताता हूँ, रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी है। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द टाइप ऑफ द डाटा स्टोरेज यूज्ड कंप्यूटर जनरली लोकेटेड मदरबोर्ड, याद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 100% पूछा जाता है कि ये किस में रहता है, किस में स्टोर रहता है, आप कह सकते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड जो भी सीपीयू में, मदरबोर्ड। दिस टाइप ऑफ द मॉनिटर इज वॉलेटाइल, और ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है इसमें कि कौन सा ये वॉलेटाइल है, याद रखना, दिस टाइप ऑफ द मेमोरी इज अ वॉलेटाइल, ठीक है, वॉल्ट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट वॉज स्टोर इन रैम, ठीक है, रैम इज लॉस्ट वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ के बाद इसकी मेमोरी क्या कहते हैं लॉस्ट हो जाती है, और ये टेम्पररी रहता है, ठीक है। दे आर द टू टाइप ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के टू टाइप है, डायनेमिक एंड स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक इंडिकेटेड द मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड
और इट विल लॉस इट्स कंटेंट, ठीक है, स्टैटिक आप रीड कर लेना। मैंने जो आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट ये है कि मदरबोर्ड और वॉलेटाइल, आपको इसको अच्छी तरह देख लेना। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी के बारे में बताया था आपको, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी, वन डाटा हैज़ बीन रिटन ओनली रोम, रोम मीन्स एक टेम्पररी रहता है, याद रखना टेम्पररी, ठीक है, पूछ सकते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड एंड कैन ओनली द रीड, ठीक है, अनलाइक मेमोरी, देखो रीड रैम, ठीक है, रोम रिटेन्स इट्स कंटेंट एवन इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है, रोम इज रेफर टू वी नॉन वॉलेटाइल। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा, ये इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं पूछता, सभी जानते हैं रोम का फुल फॉर्म जानते हैं, रैम की फुल फॉर्म जानते हैं, बट इसमें जो डीपली में पढ़ा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। रैम, रैम के मैंने बताया, रैम क्या होता है, रैम इज वॉलेटाइल, ठीक है, एंड ये रोम, रोम इज नॉन वॉलेटाइल, ये अच्छे क्वेश्चन है, एंड वो मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है, ये भी मदरबोर्ड में स्टोर रहता है। देखो टू टाइप ऑफ थ्री, यानी कि थ्री टाइप ऑफ द रोम, पी रोम, ई पी रोम, ठीक है, इसकी फॉर्म फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि पी रोम क्या होता है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, यानी दिस फॉर्म ऑफ द रोम इज इनिशियली ब्लैंक, द यूज़र ऑफ मैन्युफैक्चरर कैन राइट, आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ई रोम इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरेबल, ठीक है, सिंपल है, यानी रोम का तो आप जानती हैं रीड ओनली मेमोरी, फिर इसमें पी लगा दीजिए स्टार्टिंग प्रोग्रामेबल, इसमें इसमें ई लगा दीजिए यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसमें डबल ई आ जाएगा, मींस इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। केक, केक इज इंपॉर्टेंट है, केक, ठीक है, क्या बोलते हैं, चेक, क्या कैसे बोल सकते हैं, इज अ प्लेस टू स्टोर समथिंग टेम्पररी इज इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, केक मेमोरी आल्सो द सीपीयू मेमोरी, इज अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू मेमोरी, केक मेमोरी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, केक मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द सीपीयू मेमोरी कह सकते हैं, इट्स इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रैंडम मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। रैम वर्सेस रोम, ये आप ये अच्छी तरह आप रीड कर लेना, इसका डिफरेंस देखो, फंक्शन स्टोर द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम एंड देयर डाटा, ठीक है, रैम, रोम स्टोर सर्टेन फिक्स्ड रूटीन सच एज बूट अप रूटीन्स, ठीक है, एंड वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी, देखो रैम इज अ वॉलेटाइल, सॉरी रैम इज वॉलेटाइल, ठीक है, रोम इज अनवॉलेटाइल, एंड वैन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ द वैन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द कंटेंट आर लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट कंटेंट हुआ था, बट रोम इज अ वॉलेट नॉन वॉलेटाइल, यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल वैन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट आर नॉट लॉस्ट, ठीक है, ये लॉस्ट नहीं होता, ये लॉस्ट हो जाता है, अच्छे क्वेश्चन है। एंड चेंजेबल, देखो द कंटेंट ऑफ रैम कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड, चेंज्ड और डिलीटेड, आप मेमोरी आप पढ़ सकते हैं, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट आप क्या कह सकते हैं, ये डाटा पूरा है ना, ये डाटा गिवन दिया है, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेबल सबसे छोटी नेबल होती है, फिर बेट होता है, फिर बाइट होता है, फिर के बी एम बी और सबसे फिर टी बी पी बी, वैसे मैक्सिमम यहाँ तक ये पूछा कि सबसे बड़ी मेमोरी कंप्यूटर कौन सी थी, टी बी टेरा बाइट, ठीक है। तो आप फोर्स आप ये क्वेश्चन अच्छा पूछा कि वन निबल में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, और वन बाइट में 8 बिट, ठीक है, वन निबल में 4 बिट होते हैं, याद रखना वन निबल में 4 बिट होते हैं और वन बाइट में 8 बिट होते हैं, वन के बी में इतना होता है, ठीक है, वन के बी सारी ईजी हैं, आप इसको रीड कर लेना। एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ये सारे प्राइमरी मेमोरी में था, यानी कि मेन मेमोरी, यानी कि रैम और रोम के बारे में पढ़ रहे थे। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, और ये अच्छे क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क आप रीड कर लेना। हार्ड डिस्क क्या होता है, ए डिजिटल और नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क विच आर लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। फ्लॉपी डिस्क, ए फ्लॉपी डिस्क आर कॉल्ड द डिस्किट और जस्ट, इसको बोलते हैं आर कॉल्ड द, इसको बोलते, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्किट और जस्ट जस्ट डिस्क, ठीक है भाई, इज अ टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क ऑफ अ डिस्क ऑफ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम सील्ड इन अ रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कैरियर, ठीक है, लाइंड विद फैब्रिक दैट रिमूव जस्ट डस्ट पार्टिकल। फ्लॉपी डिस्क आर रीड एंड राइट अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, आपको इस कह सकते हैं, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क होती है, वो रीड करता है, रीड एंड राइट अ रिटन बाय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एंड मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप आप अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टैप यूज रिकॉर्डिंग साउंड, यार है ना, मैग्नेटिक यूज़ करते हैं क्या, रिकॉर्डिंग साउंड, साउंड रिकॉर्ड के लिए, पिक्चर के लिए और कंप्यूटर डेटा के लिए, ठीक है, अब याद रखना, अभी पूछ लिया कि रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कह सकते, तो मैग्नेटिक टैप, ऐसे तो माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर भी ठीक है, माइक्रोफोन। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है, एक काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन डाटा इन द एब्सेंस ऑफ अ पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई के एब्सेंस में आप इसको यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क आप देख लेना, सीडी रोम क्या होता है, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी डीवीडी आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन पर लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी 4. इतना है। ठीक है, मदरबोर्ड, हाँ मदरबोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है। मदरबोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर। इट हैज सॉकेट फॉर द सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंसिव कार्ड। एग्जाम्पल डिस्क्रीट पैरा डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ठीक है, नेटवर्क कार्ड, स्टोरेज कार्ड, ईटीसी। एंड इट आल्सो हुक्स अप टू हार्ड ड्राइव्स। आप इसको रीड कर लेना। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में देना था बट मैंने यहाँ दिया है भी इसमें। एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी और आ सकते हैं और आते हैं भी हैं। एबेकस, सबसे पहले एबेकस याद रखना, सबसे पहला डेवलपमेंट स्टेबलाइज हुआ था। एबेकस क्या होता है, एबेकस इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज यूज टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्टिंग ईजी एंड स्पीडली। ठीक है, एबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। ठीक है, ये बना था वुडन फ्रेम से। ठीक है, इन विच रॉड वेयर फिटेड अक्रॉस द राउंड्स बीट्स स्लाइडिंग ऑन द रोड। ठीक है, मैं आपको और एंड नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आपके एबेकस के बारे में। एबेकस प्रथम फर्स्ट एक यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, जो मशीन फर्स्ट मशीन कैलकुलेटर है। ठीक है, एंड परफॉर्म, ठीक है, एंड पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है कि इन द ईयर 1642, ये ईयर काफ़ी पूछते हैं पास्कल। ठीक है, 1642 यानी कि ब्लेस पास्कल फ्रांस साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन एडिशन एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल कैलकुलेटर। ये पास्कल कैलकुलेटर यानी किसी पास्कल नाम क्या रखा, पास्कल साइंटिस्ट का नाम था। और जी क्या काम करता है, ये अपना जो कि प्लस माइनस इनको सक्षम करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे कि प्रथम मशीन जो देखो जोड़ घटाव गिनती करने में सक्षम था, मतलब सीजली इजी बात है। पास्कल कंप्यूटर अच्छा क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं, इसमें काफ़ी पूछते हैं। एनालिटिक इंजन क्या होता है, एनालिटिक इंजन आप इसका सर चार्ल्स बैबेज आप आल्सो कॉल द फादर ऑफ द कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है। जनरेशन आप पढ़ लेना, जनरेशन काफ़ी इसमें समझाने की बात नहीं है बट जनरेशन आपको मतलब कि सबसे मैक्सिमम क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं, इसके एग्जाम पूछे थे एंड ईयर पूछते हैं। ठीक है, एंड लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं कभी कभार बट कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछते हैं। कंप्यूटर पूछते हैं, सपोज पूछ लिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर तो उसमें था, तो अपन पूछ कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, याद ना ये तो आप कंपलसरी याद करना ही है 100% करना है। एंड जनरेशन के सन भी पूछे थे 1942 1956। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेट सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, मैक्सिमम ज़्यादा ये पूछते हैं और ये पूछते हैं माइक्रो, वैसे सभी पूछ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिफ्थ जनरेशन चल रहा है उसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिर्फ रहती है। एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में आप ये यूनिवेक था, ठीक है, IBM एंड रोबोटिक्स। और मैं आपको एक करंट बता देता हूँ, करंट जो अभी एंड्रॉयड ऐप चलाया तो वो नोगाट, ठीक है, नोगाट नया ऐप है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि याद रखना डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर मिलाने के बाद अपना हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर तो आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द कंप्यूटर एंड इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटी यूजिंग डिजिट्स यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। एग्जांपल मैकबुक, याद रखना ये एग्जांपल इसका क्या है, मैकबुक। एनालॉग कंप्यूटर में आप इजीली कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स विद नंबर ऑफ रिप्रेजेंट बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल है कंपेयर डिजिट कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आप पता है कंप्यूटर दैट कंबाइन द कैरेक्टर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसका ठीक है इतना नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइज आप मेन फ्रेम साइज आप पढ़ लेना, मिनी माइक्रो पर्सनल और सुपर कंप्यूटर। द फास्टर जो सुपर कंप्यूटर बताता हूँ, सुपर कंप्यूटर द फास्टर टाइप ऑफ द कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव रहता है। जो कि सुपर कंप्यूटर आपको मैं बताता हूँ, सुपर कंप्यूटर अपना इंडिया का परम है, परम 10,000 एंड उसका था वर्ल्ड का था क्रे फर्स्ट। ठीक है,